दोस्तों एक छोटे से नोकिया डिवाइस के अंदर अगर यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड गूगल असिस्टेंट जैसे अगर एप्लीकेशन को आप इजिली अगर हैंडल कर पाओ तो कितना बेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, इस नोकिया छोटे से डिवाइस के अंदर सभी चीजें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कमाल के देखने को मिलेगा, जो कि आप सोशल मीडिया से इजीली जुड़ सकते हो। इस फोन के अंदर कैनवास देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजाइनिंग से, तो डिजाइनिंग भी काफी कमाल का होता है, जबकि ये 3 कलर्स में अवेलेबल है। अब जैसे कि कलर देख पा रहे होंगे बैक साइड में या फिर फ्रंट में देख पा रहे होंगे, काफी बेस्ट हो जाता है। अब बैक साइड की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का ये नोकिया ब्रांड आपको एक सिंगल कैमरा सेटअप के साथ प्रोवाइड करता है, जो कि काफी कमाल का हो जाता है। आपको साइड में एक LED फ्लैश लाइट मिल जाएगा, जो कि कैमरे के साइड में देखने को मिल जाएगा, काफी बेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या इस नोकिया डिवाइस का नाम क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात तो हमें यही वाला करना चाहिए कि इस छोटे से नोकिया डिवाइस का नाम क्या होगा। नोकिया 800 4G फीचर फोन होने वाला ही है। नोकिया ब्रांड की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये नोकिया 800 न्यू मॉडल के साथ लॉन्च होगा और काफी बेहतरीन लुक के साथ ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो इस फोन के अंदर ड्यूल 4G नैनो सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इस फोन के अंदर इजीली ये ड्यूल 4G को ये एक्सेस करेगा। इसी के साथ वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ एंड वीडियो कॉलिंग भी देखने को मिल जाएगा। एक छोटे से नोकिया डिवाइस के अंदर ये सब देखने को मिल जाए, बहुत ही बेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा और इसके अंदर बैटरी क्या देखने को मिलेगा, यानी कि नोकिया ब्रांड इसके अंदर बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी डिवाइस को हम परचेज करते हैं तो ये देखते हैं कि बैटरी बैकअप क्या मिलता है और क्या अच्छी फोन है या फिर नहीं। तो एक 4G फीचर फोन के तौर पे ये बहुत काफी बेस्ट कमाल के ये फोन हो जाता है, बहुत तगड़ी हो जाता है। डिस्प्ले आपको QVGA का मिलता है। और बात करें जब प्राइस की बात करने से पहले हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। तो यहाँ पे प्राइस कोई खास ज्यादा नहीं होने वाला है, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है नोकिया ब्रांड की तरफ से कि इसकी प्राइस इंडिया के अंदर क्या होगी। बाकी कई देशों में इसे लॉन्च कर दिया गया है, इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो ठीक लॉन्च करने से कुछ समय पहले ही ये मतलब लीक्स आ जाएंगी नोकिया ब्रांड की तरफ से कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है। बट अगर मैं बताऊं तो 1500 से 1600 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी बहुत ही कमाल के हो जाता है, 1800 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि नोकिया ब्रांड की तरफ से यह बताया जा रहा है कि 72 आवर्स बैटरी बैकअप मिलने वाला है, जो कि काफी कमाल के हो जाते हैं। अब दोस्तों आपसे एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियोस बनाने में बहुत ही काफी मेहनत लगता है, तो आप प्लीज लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आए तो सबसे पहले आप तक जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।